हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आज हम जो पढ़ेंगे आपके अपकमिंग जो सीटेट का एग्ज़ाम है संडे को, उसके लिए हम पढ़ेंगे मापन। मापन प्रणाली से हर साल 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी टॉपिक को आज मैंने लिया है, मापन प्रणाली मेजरमेंट। बहुत ही आसान सवाल है और 7 सालों पर एक ही पैटर्न से लगातार पूछा जा रहा है, तो आपको केवल कुछ विशेष बातें जाननी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई आपसे कहे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, ये एक प्रश्न आ सकता है। कोई आपसे पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, कोई आपसे पूछे कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, कोई आपसे कहे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, मिलीमीटर, है ना। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपने देखा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। तो ये एक क्रम है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे केवल किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर और सेंटीमीटर। आपके एग्ज़ाम में सीटेट जो सवाल आए हैं वो केवल इन 4 माप पर ही आधारित हैं, बाकी हम सारी चीज़ों को बड़े डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 1 किलोमीटर में कोई पूछे कितने हेक्टोमीटर होता है, तो आप कहेंगे सर 10। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। कोई आपसे कहता सर 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, तो आप कहेंगे 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। कोई आपसे कहता है कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो आप कहेंगे 1 डेकामीटर में 10 मीटर। कोई कहता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप कहेंगे 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर, आप कहेंगे 10। तो ये सारे माप आपको याद होने चाहिए ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें, अगर क्वेश्चन कहीं से घुमाया जा सकता है तो, है ना। तो यहां से आपने क्या देखा कि एक क्रम बन जाता है, किलोमीटर या केवल किलो लिख देता हूं मैं, किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, लीटर और ग्राम, फिर डेसी, सेंटी और फिर मिलीलीटर, मिली, है ना। इस बात को देखिए, ये एक क्रम में है। अगर आप मीटर लेते हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सारी माप हम मीटर में बताएंगे। अगर आप लीटर लेते हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अगर आप ग्राम को बताना चाहते हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। यहाँ पर आपने अभी बताया कि 1 किलोग्राम, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मीटर ले रहा हूँ, ठीक है, मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, आपने बताया था 10। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, आपने कहा था 10। मैंने आपसे पूछा था 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो आपने बताया था 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, आपने कहा था 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर, 10। तो आप देखें कि इस क्रम में हर एक गैप 10-10 के गैप पे चल रहा है। तो आपने देखा सबसे बड़ा क्या है, किलो, किलो के अंदर हेक्टो आ रहा है, हेक्टो के अंदर डेका आ रहा है, डेका के अंदर मीटर आ रहा है, मीटर के अंदर डेसी आ रहा है, डेसी के अंदर सेंटी, सेंटी के अंदर मिलीलीटर। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, किलो। सबसे बड़ी माप यहां दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी माप, और ये क्या है, सबसे छोटी माप।
तो आप देखेंगे कि ऊपर से अगर नीचे आना है, जब आप बड़ी माप से छोटी माप पे आओगे तो हमेशा आप गुणा करोगे, और जब छोटी माप से ऊपर बड़ी माप पे जाओगे तो आप भाग दोगे। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक गैप है वो 10 इकाई को दिखाता है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आप गुणा करेंगे, गुणा 10 किस पर, एक गैप में, ठीक है, और नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप भाग देंगे 10 से एक गैप के लिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे इनको देखकर ही आप इस बात को समझिए कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, है ना, तो आप जानते हैं किलो यहां पर है, लीटर यहां पर है, तो यहां से यहां पर आने में आपको 3 गैप मिलेंगे, एक यहां, 1, 2 और 3। इसका मतलब 1 गैप 10 के बराबर, तो 3 गैप 3 10 के बराबर, ये मत कह दीजिएगा कि 1 गैप 10 के बराबर, 3 गैप 30 के बराबर, यहां 1 गैप 10 को दिखा रहा है, 2 गैप 2 10 को दिखा रहा है, 3 गैप 3 गैप को दिखा, 3 गैप 3 10 को दिखा रहा है। तो 1 किलो लीटर में 3 गैप हैं, 3 गैप का मतलब 3 10, 10 × 10 × 10 मतलब 1000, तो 1 किलो लीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 लीटर, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं कोई भाई ग्राम में, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो आप बस देख लीजिए कि ग्राम से जो मिलीग्राम है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 गैप 2 गैप और 3 गैप, 3 गैप मतलब 3 शून्य, जितने गैप उतने शून्य। बस बड़ी से अगर आप छोटी पे आ रहे हो तो गुणा हो जाएगा, छोटी माप से ऊपर जा रहे हो तो भाग दे दीजिएगा। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1000 ग्राम। वैसे कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप देख रहे हैं डेकामीटर ये है, ध्यान रखिएगा ये डेका है और ये डेसी है, डेका से डेसी कितने गैप पर है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2, 2 गैप का मतलब है 2 शून्य, ये 2 शून्य का गुणा होगा कि भाग होगा, तो आप बड़ी माप से छोटी माप पूछ रहे हैं, तो बड़ी माप से छोटी माप पे क्या होगा, गुणा होगा, इसका मतलब 2 शून्य ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, 100। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए किसी भी माप के बारे में तो आप बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर विशेष क्या है जानने के लिए, वो जान लीजिए। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, इसका मतलब अगर मैं यहां से पक्षांतर कर दूं और यहां भेजूं तो मैं लिख सकता हूं ना 1/10 किलोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं किलोमीटर का 1/10वां भाग क्या है, हेक्टोमीटर। और याद रखिएगा कि 1/10 को हम दशांश कहते हैं और 1/100 को हम शतांश कहते हैं, ये शब्द आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। ये है 10th और ये है 100, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का 1 दशांश क्या है, 1 हेक्टोमीटर है। समझ पा रहे हैं ये बात, जैसे कि आपको मैं इस बात से समझाऊं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस बात को आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे।
एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। आप जानते हैं कि मीटर का 1/100वां भाग क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। 1/100 के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, शतांश, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर का 1 शतांश क्या है, 1 सेंटीमीटर है, है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो इस बात को आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा, यही है आपकी मापन प्रणाली। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में कभी भी डेका, डेसी, हेक्टो के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में, अदर स्टेट में आते रहते हैं, तो आपके भी एग्जाम में ये चीज पूछी जाए। तो इन सब चीजों के साथ हम कुछ सवाल लेकर आए हैं, हम आपको कराते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने में जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 सवाल आप हल कर लेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास का पहला, एक्चुअली डिजिटल बोर्ड में हम इसलिए क्लास नहीं ले रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में इतना सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर थोड़ी सी स्पीड वहाँ पर कम हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स आपको डिलीवर कर पाएँ इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। चलिए आइए, तीन सौ सेंटीमीटर प्लस 30 मीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर, पहला सवाल है 300 सेंटीमीटर प्लस 30 मीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर। इन ऑप्शन में आपको एक चुनना है, मतलब कि ऑप्शन में सारे के सारे की इकाई क्या है, मीटर। इसका मतलब सभी आंकड़ों को हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ी इकाई से अगर आप छोटी इकाई पे चेंज करेंगे तो गुणा होगा, छोटी इकाई से बड़ी की ओर जाएंगे तो भाग होगा। गुणा करना हमेशा ही भाग देने से ज्यादा सरल है और उससे उत्साह बना रहता है, है ना। इस बात को हमेशा समझिएगा। तो क्या करेंगे, हम सारे को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 किलोमीटर, अगर मैं बात करूं 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 3 × 1000 मीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहां से क्या आ गया 3000 मीटर प्लस 30 मीटर तो है ही, है ना। और 300 सेंटीमीटर, अब ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको दिखा हो जब मैंने आपको अभी पढ़ाया था तो पहले मीटर आया था, फिर क्या आया था डेसीमीटर, और फिर क्या आया था सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर से मीटर चाहते हो, नीचे से आप ऊपर जा रहे हो, और किस गैप पे जा रहे हो, 1 और 2, इसका मतलब 2 गैप 2 शून्य, नीचे से ऊपर जा रहे हो, छोटी से बड़ी इकाई पे जा रहे हो, तो 2 शून्य से भाग देना होगा। तो जो यहां पर 300 सेंटीमीटर है उसमें क्या हो जाएगा 300/100, ये क्या जाएगा मीटर, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, कितना जाएगा 3 मीटर। तो बस 3000 मीटर, 30 मीटर और 3। मैथमेटिक्स कहती है अगर सारी एक इकाई में है आंकड़े तो आप जोड़ सकते हैं, 3000 में 30 और 3 33 जोड़ोगे, तो इनको जब जोड़ोगे तो आप क्या पाओगे 3033 मीटर 3033
33 मीटर। तो 3033 मीटर हमारा यही एक सवाल का जवाब था। आपके एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, आप इतना ना करके इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे सवाल में 3 किलोमीटर था और 3 किलोमीटर जब मीटर में चेंज होगा तो 3000 मीटर आएगा। 3000 मीटर में कुछ जुड़ रहा है तो आंकड़े बढ़ेंगे, तो 3000 मीटर से ज़्यादा जो सवाल का उत्तर होगा वही हमारा सही जवाब होगा। और 3000 प्लस में मात्र एक ही ऑप्शन उपलब्ध था, तो यही निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सही नहीं है? चलिए, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। पहला है 4 और आधा दर्जन 54, 3 मिलीलीटर बराबर 0.3 सेंटीमीटर, 1 लीटर 20 मिलीलीटर बराबर 120 मिलीलीटर और 1 पैसा बराबर 0.010 रुपए। सोच समझकर कोशिश कीजिएगा कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, जहाँ 5 सेकंड लगने हैं वहाँ पर 15 सेकंड लग जाए, लेकिन एक बार में आने वाला उत्तर सही आए। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हैं 4 और आधा दर्जन बताना है आपको, आपने बचपन में ये बात जान ली है कि एक दर्जन में कितनी इकाई होती है। आप कहेंगे सर 12, अगर मैं एक दर्जन संतरा लेता हूं तो मुझे 1 दर्जन संतरा में हमेशा 12 संतरे मिलते हैं। तो यहां पर 4 और आधा दर्जन है, इसका मतलब 4 में एक दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में कितना, आप कहेंगे 12 चौके 48, तो 48 तो यहाँ से आ गया और आधा दर्जन मतलब 6, 48 6 कितना 54। तो पहला अपनी जगह पे सही है। दूसरा, 3 मिलीलीटर क्या बराबर है 0.3 सेंटीमीटर के? तो अगर आप श्योर नहीं हैं इस बारे में तो आप एक बार पेन चलाकर इस बात का उत्तर दें। आप कैसे बताएंगे? आप जानते हैं जब चार्ट बना था तो कैसे आपने जाना था, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के नीचे क्या आया था, मिलीलीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर है ना, पहले सेंटीमीटर आया था फिर मिलीलीटर आया था। आपको मिलीलीटर से सेंटीमीटर में बताना है, आप सेंटीमीटर से मिलीलीटर में बता दो। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष क्यों, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्यों? आपको लगता है आप इससे इसे बताना चाहते हो तो आप इससे इससे बता दो, या इससे इसे बताना चाहते हो तो वो नहीं। आप जानते हो कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आओगे तो 10 से गुणा करोगे, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 10 से भाग दोगे। हमेशा गुणा करना आसान है, तो इतने सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर को हटा के मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। दशमलव 3 का गुणा 10 में वो 10 तिहाई
30, एक अंक के बाद दशमलव तो आपने लगा दिया, 3.0 का मतलब क्या है, आप 3 ही को बता रहे हैं, तो इसका मतलब 3 मिलीमीटर वही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं यहाँ, 1 लीटर 20 मिलीलीटर में 120 मिलीलीटर, आप जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000, 1000 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो 1000 से बड़ा ही उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ तो 1000 से कम दिया हुआ है, इसका मतलब ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि यही ऑप्शन हमारा गलत है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, आप कहेंगे 1000, तो ये हो गया 1000 मिलीलीटर और ये 20 मिलीलीटर। 1000 में अगर आप 20 जोड़ रहे हो तो क्या आना चाहिए, 1020 मिलीलीटर, और दिया क्या है 120, तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, मतलब ये ऑप्शन में जो आंकड़े वो गलत है, और हमें क्या निकालना था, कौन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या सही नहीं है। डी देख लेते हैं, अच्छा सवाल है ये भी, 1 पैसे में रुपए कितने होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे, आपसे 1 पैसे के बारे में पूछा गया है, तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, नीचे 100 है, इसका मतलब ऊपर क्या है भाई, 1 का दशमलव आ जाएगा, 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ये इतने रुपए है ना, इतना समझिए या आप इतना समझिए कि रुपए बड़ा होता है पैसे छोटा होता है, तो जब भी आप रुपए से पैसे में जाएंगे तो 100 से गुणा होगा, और जब भी आप पैसे से रुपए में जाएंगे तो 100 से भाग होगा। यहाँ पर 1 पैसा था, 1 पैसा में 100 से भाग दे दिया तो क्या बन गया, रुपए, और 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.01। अब आपको लगेगा यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.010 है, तो ये भी तो सर गलत है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर कितने भी शून्य लगा दिए जाएं मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं कह दूँ 0.05 है, इस 5 के बाद मैं 1 शून्य रखूँ, 2 शून्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मान सदैव 0.05 ही होगा, ठीक है, तो 0.01 कहूँ या 0.010 रुपए कहूँ, ये क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो गलत क्या था, सी, ठीक। आइए अगला सवाल, आइए फिर से मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ उसी प्रकार का जैसे आपके एग्जाम में हर साल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए ये सवाल मैं ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ, इसका अपना एक रीज़न है, ताकि इनमें आप ये डायरेक्टली बता देते हैं ये सही नहीं है, आपको ये बताने के लिए कि ये सही नहीं है पूरे के पूरे 4 विकल्प चेक करने होते हैं, तो एक ही सवाल में 4 तरह की माप का आप ध्यान करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए इस प्रकार के सवाल। तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, ध्यान दीजिए,
जवाब दीजिए इसका जल्दी से। ये बहुत आसान सवाल है तो ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प 0.0300 और 0.3 समान है, तो बिल्कुल समान है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, मैंने आपको कहा कि 0.3 आप लिखो, चाहे दशमलव के दाईं ओर कितने भी शून्य बढ़ाओ, मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, तो 0.3 लिखो या 3 के बाद कितने भी शून्य बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं 37.65 किलोग्राम बराबर 3,765 ग्राम। आप जानते हैं कि किलोग्राम से अगर आपको ग्राम में जाना है तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना होगा। तो 37.65 में अगर 1000 से आप गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम। इसमें अगर 1000 से गुणा होगा तो 3 शून्य बढ़ जाएंगे, और दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आप लगा देंगे 3000, तो क्या हो जाएगा, 37.65 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब 37.65 किलोग्राम में 33,650 ग्राम होंगे, यहाँ पर केवल 3,765 था, इसका मतलब यही सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या है, यही है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा होता है कि पहला ही विकल्प आपको मिल जाए कि यही हमारा उत्तर है, तो इसे ही टिक करके आप आगे निकल जाएंगे, आप नीचे पूरे के पूरे चेक नहीं करेंगे। जैसे जब हमें सही उत्तर यहाँ पर मिल गया है तो ना हमें इसे चेक करने की ज़रूरत है ना इसे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम आगे और चेक कर लेते हैं ताकि हमें कुछ और भी सीखने को मिले। तो 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर, आप में अभी तक डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर से कोई सवाल नहीं आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार ऐसा कुछ पूछा जाए। तो आप इस बात को देखेंगे कि आपने जो चार्ट बनाया था उसमें मीटर था, मीटर के नीचे क्या था, डेसीमीटर। ठीक है, फिर भाई इन दोनों में तुलना करना है। मीटर से अगर आप डेसीमीटर पे आएंगे तो एक गैप पे आ रहे हैं, 10 से गुणा करेंगे, और डेसीमीटर से अगर आप मीटर में जाएंगे एक गैप छोटे से बड़े की ओर तो 10 से भाग देंगे। ये आपका सेलेक्शन है कि आप किसको अपने पक्ष में लेते हैं। मैंने हमेशा गुणा करना ही सीखा है तो मैं गुणा कर देता हूँ भाई, 0.1 मीटर, मीटर हटाऊंगा तो 10 से गुणा हो जाएगा, और ये आंकड़ा किस में आ जाएगा, डेसी मीटर में। एक दहम्मा 10, एक अंक के बाद दशमलव तो लगा दिया, इसका मतलब 1 डेसी मीटर, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डेसी मीटर, तो ये भी आंकड़ा क्या है, सही है। आइए 32 पैसे में कितने रुपए, तो मैंने कहा कि पैसे से अगर आपको रुपए में बदलना है तो 100 से भाग होता है, ये 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.32 रुपए। लेकिन यहाँ पर 0.320 है तो दशमलव के दाहिनी ओर कितने भी शून्य आप बढ़ा सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 0.320 रुपए। तो ये भी हमारा सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, गलत क्या था ये, और हमें यही बताना था कौन सही नहीं है। ठीक है, आइए अब प्रश्न को थोड़ा सा हम बदलते हैं, फिर हम इन सवाल पे भी और आएंगे, हमारे पास 10 सवाल हैं, और किस तरह से इनडायरेक्टली माप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं हम वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा हुआ है, और ऐसी 6
छह बोतलों एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी छह बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। ये आपका सवाल है। तो चार सौ पचास लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या है? यह आपका प्रश्न है। इसके चार विकल्प हैं जो मैं आपको देता हूं, आप जरा करके मुझे बताइए कि क्या उत्तर आएगा। आइए, ये आप ही के आए हुए प्रीवियस ईयर से एक सवाल लिया गया है। इस तरह के सवाल आते हैं, हम ये मान के चलते हैं जहाँ लीटर मिलीलीटर आ गया वहाँ माप की गणना आपको करनी होगी। तो ये भी एक मापन प्रणाली का एक सवाल बन सकता है। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी छह बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। इस शब्द को यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कार्टून, एक कार्टून में छह बोतलें आती हैं, छह बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए कार्टूनों की संख्या क्या है? ठीक है, आप मुझे बताइए एक बोतल में कितना आता है। ध्यान दीजिएगा, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस आता है, तो छह बोतलों में कितना आएगा? तो आप इधर ज्यादा आएगा, ज्यादा के लिए गुड़ा, तो 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, 3 = 45, इतना। ठीक है, ये इसका मतलब छह बोतलों में इतने मिलीलीटर जूस आता है और छह बोतल किसमें जाते हैं? एक कार्टून में। इसका मतलब एक कार्टून में 4500 मिलीलीटर आता है। हमें क्या बताना है, 450 लीटर जूस किस में जाएगा? तो फिर आप अगर दशमलव में बनाना चाहते हैं और दशमलव में बनाने के बाद आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आप यहीं पर लीटर बना लीजिए, नहीं तो आप इस लीटर को मिलीलीटर में बना लीजिए, आपकी चॉइस है ये। ठीक है, तो एक कार्टून में इतने आते हैं, तो मुझे क्या बताना है, 450 लीटर जूस के लिए कार्टूनों की संख्या। तो जो लोग जानते हैं कार्टूनों की संख्या, ये बटे में ये, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ी सी मैथ्स यहां पर लगा लीजिए, है ना। 4500 मिलीलीटर आता है एक कार्टून में, है ना। एक मिलीलीटर आएगा एक बटे में 4500 कार्टून में, हमें कितना, ये जो 450 लीटर है इसे मैं लिख लेता हूँ 450 गुड़े 1000, तो ये किसमें आ जाएगा, मिली लीटर में। तो मुझे चाहिए 450 गुड़े 1000 मिलीलीटर, ये किसमें आएगा? तो आप एक बटे में 4500, भाई एक मिलीलीटर आता है इतने कार्टून में, अगर मैं मिलीलीटर ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा लीटर पानी तो ज़्यादा कार्टून लगेंगे, तो गुणा 450 गुणे 1000, दो शून्य से दो शून्य कट गए, 45 से 45 कट गया, कितना आया 100। इसका मतलब 100 कार्टून लगेंगे और इतने 450 लीटर जूस आ जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए था, उनको ध्यान में रख के मैंने बताया, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा कि ये बटे में ये। ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग थे कि डायरेक्टली कार्टून की संख्या निकाल लेते, ये बटे में ये, तब भी 100 आता। तो मैं चाहता हूँ कि इससे आप जाएं, जिससे आपको सोचने का ज़्यादा मौका मिले। ठीक है, आइए, ये था हमारा सवाल, अब आते हैं अगला।
आइए फिर से एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फिर आपके सामने चार विकल्प आएंगे और आपको बताना है इनमें सही नहीं है। ये चार विकल्प हैं आपके सामने, आप बताइए। यहां पे दशमलव आप मत लिखिएगा, ठीक है? चलिए बताइए जल्दी। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम, और यहाँ पर 37 ग्राम है। अगर आप 5000 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5037 ग्राम, जो कि बिल्कुल सही है। तो यह हमारा उत्तर सही है। 1 मीटर और 10 डेसीमीटर में 11 मीटर। आपको पता है, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, मीटर के बाद ही क्या आता है? डेसीमीटर। तो अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा करेंगे, एक गैप पर ही है 10 से, इसका मतलब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, 10 डेसीमीटर। इसका मतलब 10 डेसीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, ये भी है ना, 10 डेसीमीटर जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 मीटर, है ना। अच्छा, ये भी ऑप्शन, तो ये भी क्या हमारा गलत आ गया, है ना। एक और एक कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2 मीटर। तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फिर सही कर लीजिएगा सवाल में, फिर 2 उत्तर आ जाएंगे। 11/100 का मतलब क्या होगा भाई? 11/100 का मतलब क्या है? 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद लगेगा, मतलब ये, और यहाँ पर क्या है? 1.1, तो ये गलत है, तो ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। इसके बाद कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है हमारे सवाल में, ये भी गलत है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन को गलत पकड़ लिया है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर? तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं,
ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने में गलती हो गई, मिलीमीटर, ठीक है, एक मिलीमीटर एक सेंटीमीटर का एक दशांश है, तो एक सेंटीमीटर कितना 10 मिलीलीटर, 10 को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटीमीटर का 1/10 है, और 1/10 को ही मैंने क्या बताया था अभी, दशांश है ना, तो एक सेंटीमीटर का दशांश है ये, तो ये सही है, ये सही है। यहाँ पर केवल आप थोड़ा तो आप समझ लीजिएगा, आपको अगर लगता है सर 2 नहीं गलती मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बदल लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 मीटर, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इन सवाल में थोड़ा सा हम चेंजेस किए हैं, कोई ऐसा ना हो कि समझ लीजिए सर 2 सवाल वो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई होगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा नहीं पूछा गया था, ये सही है, यहाँ पर आप 2 मीटर लिख लीजिए, तो ये 1 मीटर 1 मीटर कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये वाला गलत है और इम्पॉर्टेंट था, अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिया था, और ये हमारा सही है, तो ये सही, ये सही, ये सही, तो गलत क्या है ये वाला, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं, आइए लिखिए, एक टंकी में, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको सोलह जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है, ऐसे ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। ये 4 आपके विकल्प हैं, इनके आधार पर ही आपको एक सही जवाब बताना है। एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के में पूर्णतया भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है ना। आइए जल्दी हल करिए, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि एक टंकी में इतने लीटर और इतने मिलीलीटर दूध है, जिसे 16 जार जो एक ही साइज के हैं मैं पूर्णतया भरा जा सकता है। इसका मतलब अगर 16 जार में मैं इन दूधों को भरूं तो उसमें कितने दूध आएंगे, 240 लीटर 128 मिलीलीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि 16 जार की जगह अगर मैं 22 जारों में भरना चाहूं, 6 जार और ऐड कर दूं, तो दूध थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वही आपको बताना है। करिए अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए।
देखिए 16 जारों में कितना दूध आता है, तो 16 जार में दूध की मात्रा 240 लीटर, तो 240 लीटर को हम मिलीलीटर में बदल ले रहे हैं, कितना आएगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, यहीं पे मैं कर दूंगा। देखिए यहां पर लिख देता हूं 240 लीटर में आएगा 240 गुणे 1000 मिलीलीटर, तो यह आ जाएगा 240 तीन शून्य और यह आ जाएगा मिलीलीटर, और 128 और है तो 128 मिलीलीटर, जब इकाई एक हो गई है तो जुड़ जाएंगे 240 128, तो दूध की मात्रा कितनी आ गई 240 128 मिलीलीटर। ठीक है, ये तो 16 जारों में दूध की मात्रा इतनी है, तो एक जार में कितनी होगी, कम होगी, कम के लिए भाग बटे में 16, तो एक जार में इतना। आप कोई ये तो फाइनल आंसर है नहीं, तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा, तो एक जार में इतना, तो 22 जार में, तो 22 जारों में कितना आएगा, तो 22 जार में 240 128 बटे में 16 गुणे 22 इतना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये हल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हल करके आपको इन चार ऑप्शंस में एक में मैच करना है। ठीक है, हल करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। देखिए 16 का अगर आपको पहाड़ा है याद है तो 16 से ही आप काट दीजिए, है ना, काटिए 16 एक कम 16 8 बचा, 16 पंचे 80, फिर यहाँ पर एक कैरी एक शून्य लगेगा, और फिर 16 अट्ठे 128, है ना, तो कट जाएगा पूरा पूरा 16 अट्ठे 128, है ना। तो बस अब 1508 का 22 में गुणा कर लीजिए, तो आप अगर यहाँ पर करते हैं तो आप इस तरह से कर लीजिए 1508 का गुणा 22 में, 22 को कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 2, 2 का एक बार गुणा करेंगे दोनों काम हो जाएंगे आपके, यहाँ दिख रहा है 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, है ना, ये किया आपने 20 से, 2 से भी गुणा करेंगे तो यही आएगा, जोड़ लीजिए 6 6 और 1 7 1 3 3, है ना। तो ये हल करने पर आपको आया 33176 ml, है ना। तो आप मुझे बताइए क्या इसे लीटर में बदलना ज़रूरी है, मैं ये कहता हूँ कि लीटर में बदलो, या आप किसी की माप को किसी में भी बदलते हो तो आप या फिर जीरो से गुणा करते हो या जीरो से भाग दे देते हो, है ना, या जीरो चिपकाते हो या जीरो नीचे लिखते हो, क्या अंकों में परिवर्तन आता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में 3 3 1 7 6 है वही हमारा उत्तर होगा, है ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इतना 3 3 1 6 का मतलब क्या है, तैतीस हजार एक सौ छिहत्तर मिलीलीटर का मतलब है 33,000 प्लस 176 ml, तो 33,000 ml को अगर मैं लीटर में बदलना चाहूँ तो मिलीलीटर से लीटर में आने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। अब ये लीटर में बदल गया और ये है 176 मिलीलीटर, तो यहाँ तक कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 33 लीटर, और यहाँ पर कितना है 176 मिलीलीटर। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी होगी। अच्छा 10, अच्छा यहां पर भाग देने में गलती हो गई ना, यहां पर देखिए हमेशा इसलिए कहता हूं कि जीरो को चिपकाने में थोड़ा सा ध्यान दें, 16 एक कम 16 8 16 पंचे 80 था, एक जीरो आया फिर दूसरा जीरो आएगा तब 16 अट्ठे 128, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं।
तो यहाँ पर 15008 में आप कर रहे हैं 22 का गुणा, तो 22 को लिख देते हैं 20 प्लस 2, 2 अट्ठे 16, शून्य 15 दुनी 30, एक शून्य लग गया और यहाँ पर आ गया 30016, 16 6 7 1 0 3 3, है ना, ये तभी देखिए बात नहीं। तो यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 3 0 1 7 6 ml, है ना। तो आप देख रहे हैं कि अब इसे अगर आप लीटर में बदलेंगे तो केवल दशमलव ही चिपकेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 3 3 0 1 7 6 केवल इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो वही हमारा उत्तर होगा। नहीं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 3 0 1 7 6 ml है, इसे मैं क्या ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ भाई, ये क्या है 330176 मिलीलीटर, तो 330000 अलग कर दिया, 176 अलग कर दिया, मिलीलीटर से लीटर बदलना है तो 330000 में 1000 से भाग दे दिया, ये लीटर बदल गया और ये 176 मिलीलीटर, 30 से 30 कट गए, 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, और यही आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, अच्छा सवाल था, देखिए सवाल बड़े नहीं है, सवाल के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको सील करिए कि एग्जाम में जब आप इस प्रेशर में रहेंगे तो क्या इन जीरो को आप ध्यान दे पाएंगे, क्या इन जीरो को आप समझ पाएंगे। जैसे मुझसे गलती हुई तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ, तो मैं देखकर समझ गया, लेकिन आप इस बात की गवाही दीजिए कि एग्जाम में अगर इस तरह से गलती आप करते हैं, एक जीरो आप भूल जाते हैं, तो क्या आप ढूंढ पाएंगे, है ना। तो सवाल का जो उत्तर आएगा वो कहेगा बिल्कुल सर हम इस सवाल को कर लें विद इन रिक्वायर्ड टाइम, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें हम एग्ज़ाम के पहले सवाल करके समझते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल, इनमें से कौन सा नहीं है, एक्चुअली पिछला जो क्वेश्चन था इनमें से कौन सही नहीं है उसमें मुझे बताना था इनमें से कौन सा सही है, इसीलिए तीन गलत हो रहे थे और एक सही आ रहा था, मैंने क्या किया कि पहले वाले में सुधार किया था, दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत थे, तो उसमें हमें यह बताना था कि सही कौन सा है। ठीक है, तो सवाल जो शुरुआत में लिखा था वो इस भूमिका से लिखा था कि उसमें सही क्या बताना था, है ना। तो चलिए, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे, आइए। फिर से मैंने वही सवाल लिया है, इनमें से कौन सही नहीं है,
और चार ऑप्शन हमारे पास है, 1/100 एक का एक शतांश है, 0.37 बराबर है 0.3700 के, 1001 डेसीमीटर क्या बराबर है 100 मीटर 10 सेंटीमीटर के, और चौथा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। बताइए आइए, मैंने कहा कि शतांश को अगर आप हटाना चाहो तो एक शतांश का मतलब होता है 1/100। तो आप देख रहे हैं कि एक का 1/100 अगर मैं निकालूंगा तो वो 1/100 ही आएगा, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा 0.37 बराबर है, 0.37 तो है ही, दाईं ओर कितने भी जीरो बढ़ा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये भी अपनी जगह सही है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। आप जानते हैं कि आपने जो क्रम लिखा हुआ है वो क्या है, मीटर फिर डेसीमीटर और फिर आता है आपका सेंटीमीटर, है ना, ये आपका क्रम है मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो यहां से डेसीमीटर से अगर मैं मीटर में जाऊंगा तो भाग देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसे इस क्रम में ले आऊं। भाई एक मीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप कहोगे सर एक गैप है 10 से गुणा कर दीजिए, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, इसका मतलब मीटर से अगर मैं डेसीमीटर में आऊंगा तो गुणे 10, ये आ गया डेसीमीटर, ये कितना आ गया 1000 डेसीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि एक डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या 10 से गुणा करेंगे, तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर में कितने 1 डेसीमीटर। अब दोनों ही इकाई एक आ गई है, 1000 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1001, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो निश्चित रूप से ये गलत होगा। तो एग्जाम में अगर आप तीन ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं तो चौथे को बिना हल किए ही टिक कर देना, इस सवाल का अपना एक सम्मान होगा जो कि किसी कीमत पे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप समझेंगे तो आइए हल कर लेते हैं, तब भी से हम देखते हैं 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अगर भुजा 30 सेंटीमीटर है वर्ग की तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर, इसका मतलब 30 का वर्ग, और 30 का वर्ग क्या होगा 3 का वर्ग 9 और 0 का वर्ग 2 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 900 सेंटीमीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। आयत का क्षेत्रफल, भाई ये है लंबाई ये है चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे जी 4.5 मीटर, तो मीटर था यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर बदल लेते ना सही है, जो 4.5 गुणे 100 सेंटीमीटर और गुणे 0.2 मीटर, तो गुणे 100 सेंटीमीटर, तो आ जाइए 45 का 100 में गुणा करेंगे तो 4500, एक अंक के बाद दशमलव है तो 450 गुणे, यहाँ पर करेंगे तो कितना 20, तो ये था 45 दुनी 90 2 0, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया 900 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल कितना आया 9000 वर्ग सेंटीमीटर, तो समान नहीं है। हमें यही बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये लगा कि सर आपने ये क्वेश्चन शायद पहले ही प्रैक्टिस सेट जब आपने करवाया था लास्ट ईयर के सवाल, तब भी आपने तकरीबन वैसे ही सवाल किया था, आपने कुछ नया क्यों नहीं लिया, लेकिन नया लेने की कोई वजह नहीं है, आपका सीटेट तो अपने प्रश्न पत्र बदल नहीं रहा है, 7-8 साल से वही दे रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे कोई अच्छे सवाल के रूप में कोई टफ सवाल मैं आपको नहीं कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आपका लेवल है कॉन्फिडेंस का वो और बढ़े ना कि घटे।
आइए एक दो सवाल और हैं। फिर से वैसे सवाल आपको मिलेगा, इनमें से कौन सही नहीं है, आपको बताना है। एक हेक्टोमीटर एक किलोमीटर का एक दशांश है। एक डेसीमीटर एक हेक्टोमीटर का एक शतांश है। एक लाख बराबर है एक सौ हजार के। एक करोड़ बराबर है एक हजार लाख के। चलिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है जहां तक मुझे लगता है। आइए अपना कीमती वक्त दीजिए एक मिनट और बताइए सवाल का सही उत्तर। तो आइए देखिए पहले हेक्टोमीटर और किलोमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं किलोमीटर के तुरंत नीचे ही आएगा क्या आपका हेक्टोमीटर, है ना। इसका मतलब किलोमीटर बड़ा है हेक्टोमीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो क्या आएगा, दस से गुणा। तो आप कह सकते हैं कि एक किलोमीटर बराबर है दस हेक्टो मीटर का। आपको एक किलोमीटर का एक दशांश बताना है, दस को इधर बुला लीजिए तो एक बटे दस किलोमीटर बराबर हो जाएगा एक हेक्टोमीटर। अब आप इसे देखकर कह सकते हैं कि सर मैं एक बटे दस को दशांश बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो आप कह सकते हैं कि एक किलोमीटर का एक दशांश क्या है, एक हेक्टोमीटर। तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही है अपनी जगह, समझ पा रहे हैं इस बात को। आइए ऐसे ही बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में डेसीमीटर और हेक्टोमीटर के बीच तुलना हो रही है ना। तो हेक्टोमीटर और डेसीमीटर के बीच में हम देखते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर हेक्टोमीटर नहीं डेकामीटर कर लीजिएगा, थोड़ा सा फिर शायद गलत लिख गया। ठीक है हाँ मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। एक डेकामीटर का एक शतांश है एक डेसीमीटर। तो आप जानते हैं कि डेकामीटर आएगा, डेकामीटर के नीचे आएगा आपका मीटर, फिर आपका आएगा डेसीमीटर, है ना। ये क्रम होता है, डेसीमीटर डेकामीटर आएगा फिर मीटर फिर डेसी। इसका मतलब कि यहां से एक गैप दस और फिर दूसरा दस, तो दो दस आ गए, मतलब एक डेकामीटर में, एक डेकामीटर में दो दस मतलब दो शून्य, कितने सौ डेसीमीटर होंगे। सौ को इधर बुला लीजिए तो एक बटे सौ
डेका मीटर बराबर एक डेसी मीटर। एक बटे सौ को आप शतांश लिखना जानते हैं, तो सेंस क्या हुआ कि एक डेका मीटर का एक शतांश क्या है, एक डेसी मीटर। तो ये भी आंकड़ा हमारे लिए क्या होगा, फिर सही होगा। बात करते हैं एक लाख बराबर है एक सौ हजार के, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा। आइए, एक लाख क्या बराबर है एक सौ हजार के? तो आप जानते हैं कि एक सौ का मतलब क्या है, सौ। एक सौ का मतलब सौ, हजार का मतलब हमेशा एक हजार से होता है। तो सौ का अगर एक हजार में गुणा करेंगे, तीन दो पाँच, पाँच शून्य आ जाएंगे, तीन दो पाँच, इकाई इकाई सैकड़ा हजार हजार लाख, तो बनेगा कितना, एक लाख। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सौ हजार आप कह दीजिए कि भाई एक सौ सौ हजार के नोट दो मुझे, मैं कहूँगा एक हजार का एक नोट। अगर मैं आपको सौ नोट दूंगा तो आप कहूँगा भाई सौ हजार के नोट लेके आया हूँ मैं, और सौ हजार के नोट जब आपके पास हो जाते हैं तो कितना बनता है, एक लाख। तो ये भी बिल्कुल सही था। तो गलत क्या होगा फिर, ये वाला, आइए चेक कर लेते हैं। एक करोड़ बराबर है एक हजार लाख के, इसका मतलब अगर कल को एक लाख की नोट आ जाए तो मैं कहूंगा एक लाख की एक हजार नोट दे दो। तो एक हजार का मतलब क्या है, एक हजार, और लाख का मतलब क्या है, एक दो तीन चार पांच। याद रखिएगा, लाख में पांच शून्य होते हैं और एक हजार में तीन शून्य, तो जब गुणा होगा इनका बीच में तो एक पांच यहां पर है, तीन यहां पर है, तो आ कितने जाएंगे, आठ, आठ शून्य। और याद रखिएगा एक करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो आप बताएंगे सात शून्य होते हैं, यहां पर दस करोड़ आ गया होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़। तो एक करोड़ बराबर है एक हजार लाख के, गलत। एक करोड़ के हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक करोड़, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो अगर मैं यहाँ से इस पाँच शून्य को अलग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, लाख, और ये क्या है, सौ। तो याद रखिएगा एक सौ लाख, एक सौ लाख बराबर होगा एक करोड़ के। हमें दिया गया था एक करोड़ बराबर है एक हजार लाख के, जो कि गलत था, और हमें यही बताना था इनमें से सही कौन नहीं है, ठीक है। ये सवाल अच्छा था, ऐसे सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, तो काफी सवाल हमने ले लिए जैसा आपके लास्ट ईयर में आया हुआ है। एक दो सवाल और भिन्न प्रकार के आते हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जो कि मैंने लास्ट ईयर के पेपर में इनको लिया है, तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। इनका कुछ माप से लेना देना नहीं है, इनमें केवल माप के नाम पर मीटर सेंटीमीटर आ गया, तो इन्हें हम माप के सवाल कह लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी मानचित्र पर एक बटे चार सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 150 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, मानचित्र पर उनकी दूरी होगी,
चलिए जल्दी से बताइए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर के पेपर जब कराए थे तब मैंने आपको कराए हैं। आइए बताइए, किसी मानचित्र पर 1/4 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 150 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। मान लीजिए कि यहाँ से 150 किलोमीटर दो नगर की दूरी है, तो मानचित्र तो बहुत छोटा होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि मानचित्र में छोटे छोटे चिन्हों से हम एक निश्चित दूरी को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मानचित्र पर जो 1/4 सेंटीमीटर की दूरी होगी तो वो क्या दिखा रही होगी, वास्तविकता, मतलब वास्तव में रियलिटी में वो दोनों नगर कितने किलोमीटर की दूरी पे होंगे, 150। तो उस मानचित्र में 1/4 सेंटीमीटर वास्तव में 150 किलोमीटर की दूरी को दिखाती है। तो आपको ये तय करना है कि अगर दो नगर 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो मानचित्र पर उन दोनों के बीच में क्या दूरी होगी। तो करने के लिए देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट पे इधर उधर हो, है ना। तो बिल्कुल शांत स्वभाव में हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाई 150 किलोमीटर का अगर दो नगर हैं तो मानचित्र पर हम क्या दिखा रहे हैं, 1/4 सेंटीमीटर से, है ना। 150 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर हम दिखा रहे हैं 1/4 से। तो 1 किलोमीटर पे अगर दिखाना हो तो भाई जब 150 किलोमीटर इतने सेंटीमीटर में है तो 1 किलोमीटर और कम सेंटीमीटर में होगा, तो कम के लिए भाग, तो ये बटे में भाग, चार नीचे गिर जाएगा तो नीचे लिख देंगे 4 × 150 सेंटीमीटर। हमें बताना है 1000 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, अब ज़्यादा किलोमीटर हो गए ज़्यादा सेंटीमीटर आएंगे, तो ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दुनी 10, 4 से 4 पंचे 20, तो यह आ गया 5/3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर आप बदल दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा लिखने में थोड़ी सी गलती हो जा रही है ना। तो ये 5 से 3 आ गया, भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 2 शेष बचेगा, बटे में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार फिर से काट के देख लेते हैं, गलती तो नहीं हो गई। नहीं सही है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, यही वाला उत्तर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं जिन्हें माप का रूप दे दिया जाता है, है ना। और एक विभिन्न प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आया, उसको भी देख लीजिए। अगला सवाल, संतरे के 15 लीटर (286 मिलीलीटर) जूस को गाजर के 19 लीटर (714 मिलीलीटर) जूस में मिलाया जाता है। मिलाया जाता है
इस मिश्रण में से इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। और शेष को बोतलों में भरा जाता है जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या है 12। ये भी सवाल आपके एग्जाम में ही आया हुआ सवाल है कुछ नहीं, केवल लीटर और माप की इन इकाई के कारण इन्हें हम मापन प्रणाली के सवाल समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या है, जल्दी बताइए। तो हल करते हैं भाई, संतरे का कितना है? 15 लीटर 286 मिलीलीटर और गाजर का कितना है? 19 लीटर 714 मिलीलीटर। संतरे का जूस और गाजर के जूस को मिला दिया गया तो मिश्रण बढ़ जाएगा तो मैं जोड़ दिया 6 4 10 8 9 और 1 10 7 2 9 और 1 10 ये आ गया 1000 मिलीलीटर। कभी भी आप कैरी नहीं फेंक देंगे, है ना, कहीं कहीं सही उत्तर आएगा आपका, कहीं कहीं गलत आएगा। जैसे आपको मैंने घंटे और मिनट में बताया था, वैसे ही जब आंकड़े अलग अलग हों, अलग अलग इकाई के साथ हों, तो कैरी सोच समझ के ही लेना चाहिए, क्योंकि एक लीटर का कैरी जाएगा तो 1000 पूरा जाएगा मिलीलीटर में। अगर एक लीटर का डेसीलीटर में जाएगा तो कुछ और जाएगा, सेंटीलीटर में जाएगा कुछ और जाएगा, ये आपके विचारों पर डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको इसमें जोड़ा 1000 मिलीलीटर और 9 5 14 1 2 और 1 3 तो 34 लीटर और 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 1 लीटर, 34 लीटर के साथ 1 लीटर जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 35 लीटर। इसका मतलब जब संतरे और गाजर के जूस को मिलाया गया तो वहां पर 35 लीटर मिश्रण मिला। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, तो 35 लीटर में से हम घटा रहे हैं क्या 12 लीटर 750 मिलीलीटर। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि 35 लीटर में से आप घटा रहे हैं 12 लीटर 750 मिलीलीटर। कोई भी गलती ना हो तो जब लीटर से आप 1 लीटर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 34 लीटर 1000 मिलीलीटर, तो 34 लीटर और मैं क्या लिख देता हूँ 1000 मिलीलीटर। आप घटा दीजिए, 1000 में 750 जाएगा तो बचेगा क्या 250 मिलीलीटर, और 34 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा 22 लीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर अब 22 लीटर 250 मिलीलीटर जूस बचा है जो कि शेष बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो अब यही जूस बोतलों में भरा जाएगा, तो भाई एक बोतल में अगर 250 ml आता है तो 22 लीटर 250 के लिए अधिक आएगी बोतल, और बोतलें बतानी है कितनी। तो है तो वही कि इसमें इसका डिवाइड कर दो उत्तर आ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कैसे करेंगे, तो ये जानेंगे। कि भाई एक बोतल में कितना आ रहा है, 250 मिलीलीटर, तो एक मिलीलीटर के लिए क्या और कम बोतल लानी पड़ेगी, तो भाग 1/250। हमें कितना भरना है, इतना। क्या लीटर मिलीलीटर को मैं एक में चेंज कर लूँ, तो आप इधर 22 लीटर है, इसको आप बना लो 22,000 मिलीलीटर, और 22,000 में जब 250 जोड़ूंगा तो 22,250 मिलीलीटर बराबर 1/250। 1 मिलीलीटर में इतनी बोतल, तो जब मिलीलीटर बढ़ेगा तो बोतल बढ़ेगी। ये बस यही हमारा उत्तर होगा, तो काट देते हैं। 25/8 = 222 कैरी, 25 × 9 = 250, तो कितना आ गया 89। तो ऐसी कितनी बोतल की जरूरत पड़ेगी हमें, 89, है ना। तो शांत और सरल तरीके से अगर हम करते हैं तो सवाल हो भी जाता है और ज़्यादा हम पे प्रेशर भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हैं, और भी सवाल हैं जो फल विक्रेता या नोट इतनी देता है वापस कितना करता है, वो मैंने आपको लास्ट में जो सवाल कराए हैं उनमें मैंने आपको करा दिए। अब इस मापन के बाद अभी एक समय की वीडियो आपको मिलेगी, और समय के बाद एक वीडियो आपको पैटर्न की मिलेगी जो कि आज ही आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर, ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी उत्साह और उमंग के साथ ये सेशन को हम फिनिश करते हैं। एक आध सवाल और थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेशन की जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो ऐसा ना हो कि ये सेशन जो कि बहुत एंथुजियास्टिक था वो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ आप अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो मैं ऐड कर दूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।